एक बार फिर एक और मिग-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हमने फिर से दुर्घटना में एक और बहादुर योद्धा खो दिया। जिम्मेदारियों से दूर होने का सभी तरीके का पालन किया जाएगा और घटना के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की स्थापना की जाएगी और कुछ वर्षों के बाद या तो पायलट की अक्षमता या तकनीकी दोष रिपोर्टें में सामने आएंगी। लेकिन एक सवाल हमेशा पूछा गया है और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक पूछना जारी रहेगा, और सवाल यह है कि मिग-21 को हटाने के लिए हमें और कितने क्रैश की जरूरत है। इन विमानों को कुख्यात नाम द फ्लाइंग कॉफिन्स या विडो मेकर दिया गया था क्योंकि इन विमानों ने 200 से अधिक पायलटों और नागरिकों दोनों की जान ली है। युद्ध और डॉगफाइट परिदृश्य को छोड़ दें, साधारण उड़ान और ट्रेनिंग के दौरान ज्यादातर दुर्घटना घटी है। सवाल यह उठता है कि ये विमान इतनी बार दुर्घटनाग्रस्त क्यों होते हैं। कारणों को मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, डिजाइन में दोष। दो, मशीन की आयु। तीन, खराब पुराने पार्ट्स की खरीद। डिजाइन में दोष। विशेषज्ञों का दावा है कि बार बार दुर्घटनाग्रस्त होने का एक प्रमुख कारण मशीन के डिजाइन में एक बड़ा त्रुटि है, और वह है इंजन की आफ्टर बर्नर स्थिति में उड़ान के दौरान छोटे पक्षी भी इसके इंजन में घुस सकता है और इंजन में आग लग सकती है। डिजाइन में अन्य उल्लेखनीय दोषों में शामिल हैं 2:2 लो एस्पेक्ट रेशियो के लिए अन्य लड़ाकू पायलटों की तुलना में मनोवरिंग करते समय अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। वजन में वृद्धि के साथ अप्रोच स्पीड को भी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन मिग की इंजन की पावर इतना बढ़िया नहीं है और भारतीय परिदृश्य और जलवायु परिस्थितियों में और कम हो जाती है। मिग में इस्तेमाल की जाने वाली सी के इजेक्शन सीट उच्च ऊंचाई के लिए अच्छी है, लेकिन निश्चित रूप से कम ऊंचाई के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि यह इजेक्शन के लिए वक्त ज्यादा लेती है, जिससे कई निम्न ऊंचाई के इजेक्शन विफल हो जाते हैं। मशीन की उम्र। हालांकि विमानों ने 1971 के युद्ध में बड़ी सफलता का प्रदर्शन किया, लेकिन विमानों की बढ़ती उम्र के कारण भारतीय वायुसेना ने 1980 के दशक से चरणबद्ध तरीके से उन्हें हटाने का फैसला किया। हालांकि मिग-21 एफएल को 50 साल की सेवा के बाद वर्ष 2013 में सेवा से हटा दिया गया था, लेकिन मिग-21 बाइसन अभी भी संचालन में है, और जब उम्र इतनी हो जाती है तो आप इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। दोषपूर्ण सेकेंड हैंड स्पेयर पार्ट्स। रूस ने इन विमानों और उनके पार्ट्स का उत्पादन बहुत पहले बंद कर दिया था और मिग के संचालन को बनाए रखने के लिए हमें स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है, जिसे हम इसराइल और यूक्रेन से सेकेंड हैंड में खरीदते हैं। मॉस्को ने इस तरह के पार्ट्स खरीदने और विमानों में इस्तेमाल करने के बारे में लगातार चेतावनी दी है और दावा किया है कि ये भी ऐसी दुर्घटनाओं का कारण है। दुर्घटना पर विचार। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के बीच भी दुर्घटनाओं के बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ अधिकारियों का दावा है कि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लापरवाही का एक आपराधिक कृत्य है कि 60 साल पुराने विमानों का अभी भी उपयोग किया जा रहा है। दूसरा विचार यह है कि मिग-21 की दुर्घटनाओं की संख्या में यह वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि बेड़े में इन लड़ाकू विमानों की संख्या बहुत अधिक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।